नागपुर में वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से भव्य मेलावे का आयोजन किया गया। उत्तर नागपुर का अपनी तरफ का ये पहला कार्यक्रम है। चुनाव में सफलता अगर मिलती है तो ये उत्तर नागपुर से ही मिलेगी। उत्तर नागपुर में वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज तक जैसा काम किया है उस तरह किसी ने किया नहीं है, ऐसी प्रतिक्रिया कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों ने दी है। आज की सभा मतलब ये उत्तर नागपुर का ये पहला सत्ता हस्त संपादन सोलह है। आने वाले इलेक्शन में चुनाव में इस महानगर पालिका में अगर सबसे ज़्यादा वंचित बहुजन आघाड़ी को सफलता अगर मिलती है और मिलेगी तो ये उत्तर नागपुर से मिलेगी। ये उत्तर नागपुर में जिस तरह हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को बढ़ाया है, उत्तर नागपुर में जिस तरह वंचित बहुजन आघाड़ी ने काम किया हुआ है, ऐसा काम अभी तक किसी ने नहीं किया। यहाँ पर सत्ताधारी पक्ष के जो आमदार भी है वो पिछले 10 साल पहले भी बोलते थे कि हम उत्तर नागपुर को सिंगापुर बनाएंगे, लेकिन जब भी बारिश बरसात की जब पहली बारिश होती है तो सभी को पता चलता है कि सिंगापुर किस तरह से बना हुआ है, उत्तर नागपुर का विकास किस तरह हुआ है। 15 साल से यहाँ पे बीजेपी की महानगर पालिका में सत्ता थी, उसके बावजूद भी आज तक के कभी इस क्षेत्र का उत्तर नागपुर का और नागपुर शहर का कभी कोई विकास नहीं हो पाया है। आज भी उत्तर नागपुर का कई क्षेत्र ऐसी है कि जो ग्रामीण गाँव से भी बदतर परिस्थिति में आज भी वहाँ के लोग जी रहे हैं। आज भी वहाँ पर शौचालय की सुविधा नहीं है, आज भी वहाँ पर रोड की व्यवस्था नहीं है, आज भी उस क्षेत्र में पानी की सुविधा नहीं है। आज लोग वहाँ पे एक टैंकर मंगा के 10-10 दिन उस एक टैंकर पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। संतानगर से लेके नारा नारी से लेके तो कलमना बस्ती तक के जितना भी आज ग्रामीण का क्षेत्र है आज भी पानी के लिए तरस रहा है। क्या हमारा विकास हो रहा है इस क्षेत्र में, ये जनता को पता चलता है। इसलिए आज ये सत्ता संपादन सोलह उत्तर नागपुर में आज बेजनबाग हॉल में जो रखा गया है उसका मेन मोटो वही है कि हम सब एक होके हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के जितने भी कार्यकर्ता है पदाधिकारी है सब मिलके हम इस उत्तर नागपुर की समस्याओं को सुलझाने का हम कोशिश करेंगे।